मेरे हाल ते दुनिया हसदी है, मैनू कमली सारे कह देने, लोगों तो छुप छुप रोवां मैं, बड़े ताने सहने पैंदे ने। क्यों छट गई मां तैनू तेरी, मां बचड़े ते कठे रहंदे ने। क्यों छट गई मां बचड़े ते कट्ठे रहंदे ने। हाल दिल वाला बेटा च सुना, हाल दिल वाला बेटा च सुना, तू कर मेरे राजा दा दिए, तू कर मेरे राजा दा दिए। रोज़ आसा वाला दीवा मैं जगावा, तू कर मेरे राजा दा दिए।
दुनिया हसदी है मैनू कमली सारे कह देने लोगों तो छुप छुप रोवा मैं बड़े ताने सहने पैंदे ने क्यों छट गई मां तैनू तेरी मां बचड़े ते कठे रहंदे ने क्यों छट गई मां बचड़े ते कट्ठे रहंदे ने हाल दिलां वाला बेटा च सुना हाल दिलां वाला बेटा च सुना तू कर मेरे राजा दासी तू कर मेरे राजा दासी तू कर मेरे राजा दासी शामिल होंगी। मुझे जहाँ जहाँ पता लगता है कि ऐसा
धर्म का काम हो रहा है तो मैं दौड़ती 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 जाती हूँ। मैं हूँ प्रतिमा, जय माता की। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ये बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, ऐसे करते रहे, इनको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। एक बार माजी के लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन करें प्लीज। माजी प्रतिमा हमारे मध्य में, और बड़ा ही हमारा सौभाग्य, देखिए माँ की ममता जो है दौड़ी चली आती है बच्चों के लिए, देखो बड़े प्रेम से अगर माँ के चरणों में आप रहोगे ना, माँ उतना ही आशीर्वाद देगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारी दिल्ली में सोसाइटी है, बॉम्बे में ट्रस्टी है, तो हमारी सोसाइटी में सवा लाख का चेक दिए हैं। चैरिटी वर्क या कोई भी काम होता है हमारी सोसाइटी में हुक्म रहता है कि बढ़ चढ़ के इस जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया होता है, और जोड़ों को आशीर्वाद भी मैं देती हूँ, अच्छा लगता है, ब्लेसिंग देती हूँ। माजी आपने कहा था कि आप बाहर जा रहे हैं और आज बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए? हाँ, मैं मुंबई जा रही थी, लेकिन जब ये मुझे मिला कि हाँ इनका इन्विटेशन मिला था राधे माँ, मुझे अच्छा लगा कि ये जाते हैं राधे माँ के आए इधर, तो मैं रुक गई, अभी एक दो दिन बाद मैं वापस चली जाऊंगी। देवा जी का ये ध्यान है पंडित आई अक्षर प्रेम के जिनके हृदय में प्रेम है ना सबके लिए, जिनको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की रचना है, तो हर हृदय में हरि है, जो हर एक को उसका मुंह पहचान के प्रेम करता है, हर एक की निधि की हेल्प करता है, भगवान उनमें वास करते हैं। तो इसलिए जिनके हृदय में प्रेम है, जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ते हैं, और उनको भगवान सफल देते हैं, कोई दुख नहीं देते, वो असल ज्ञानी है। मतलब ये नहीं कि तुम सारा सारा दिन पोथियाँ पढ़ते रहो, भगवान एक बार दिल से भगवान को बोलो भगवान हम तेरे हैं, जो करेंगे आप करना, कुछ नहीं कर रहे, जब हम बोलेंगे कि हम कर रहे हैं तो वहाँ हमारा बड़ा गर्व हो जाएगा।